मैंने मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी और उसने उसने वही किया। शांत हो जाइए, मेरी तरफ देखिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम सब साथ हैं ना। नहीं प्रज्ञा, मैं ठीक हूँ भाई, मुझे बस गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? जब हम सब साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है, हम सब आपके साथ हैं। और रही बात आपको इस केस से फ्री कराने की, तो तनु के खिलाफ हमारे पास एक क्लू भी तो है। एग्जैक्टली दैट वी ऑल नो कि तनु आंटी किसी भी हद तक जा सकती है। हमें ये तो पता है कि तनु आंटी कुछ तो जरूर करेगी, बट ये नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या करेगी, इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राची, इस बार हमें तनु को बहुत स्मार्टली टैकल करना होगा। हाँ प्रज्ञा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने कल कहा था ना कि एंगेजमेंट में हमें वो उसका फोन हमें किसी भी हालत में लेना होगा, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो कोई दूसरा ऑप्शन तो हमें रेडी रखना होगा ना। दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे किसी न किसी तरीके से हम तनु का फोन हासिल कर लेंगे और हमारा ये काम करेगा आर्यन। मैं कैसे करूंगा, मैं चोर वोर थोड़ी हूँ। मॉम आपको तो पता है कि आपकी जो गाड़ी की चाबी भी गिर गई थी, वो टेबल के नीचे गिर गई थी, मैंने थोड़ी चुराई थी। मैं चोर थोड़ी हूँ गाड़ी, वो छोड़ दीजिए ना चाक, उसका क्या करना है। तो मेरी वो चाबी तुमने चोरी की थी। अरे मैंने अभी तो कहा कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। तू चोर नहीं है, नया नहीं है चोर, ये और ये चोरी नहीं है, दिस नॉट चोरी। चोरी करना तो बहुत गलत बात है। ये एक सीक्रेट मिशन है, ठीक है, और एक सीक्रेट मिशन का तुम एक इकलौता सीक्रेट एजेंट, और तेरा सिर्फ एक टास्क है। हाँ। और वो टास्क है तुझे तनु आंटी का फोन लेके हमारे पास लेके आना है। दैट्स इट, सिंपल, नो चोरी। सीक्रेट मिशन, सीक्रेट मिशन, यस, सीक्रेट एजेंट, यू आर अ सीक्रेट एजेंट। कॉस तो फिर ये काम ऐसे हो जाएगा। नहीं प्रज्ञा, तनु को सबक सिखाने के लिए कोई और ऑप्शन है तुम्हारे पास? फोन तनु का ही है, पर्याप्त नेटवर्क का मैं ना तुम्हें बात कर देता हूँ। इस वक्त तनु का फोन क्यों है होगा? आपके पास 10 दिन है, आप शादी कर लीजिए एंड ऑन द 11th डे आप दोनों कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। मैंने कहा था तनु मुझे पूरी तरह फ्री नहीं करेगी और उसने वही किया।